अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सस बर्ड यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्त कहते हो जो आपने चिक्स वगैरह अलग करें लव बर्ड्स के, उनका अगर आप डीएनए करवाएं तो वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैं आज डीएनए करवाने लगा तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए, जो कि न्यू फ्रेंड्स है उन्हें बता दिया जाए कि डीएनए जो है बर्ड्स का किस तरीके से होता है और डीएनए करवाने की क्या वजूहत होते हैं। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं जब अगर बर्ड्स का डीएनए अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें ये कि बर्ड्स की एज का भी मालूम हो जाता है या बर्ड्स के पेरेंट्स का भी मालूम होता है या बर्ड्स किसका स्प्लिट है उसका भी मालूम होता है। तो डीएनए अगर आप करवाएंगे तो इन किसी भी चीज़ का मालूम नहीं होता डीएनए के अंदर। डीएनए में सिर्फ कंफर्म होगा सेक्स का कि जो आप जिसका डीएनए आप करवा रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, पर इसके अलावा और किसी चीज़ का डीएनए में कंफर्म नहीं होता। तो आज कुछ बर्ड्स का डीएनए में करवाने लगा था तो मैं सोचा आपको बता दूँ डीएनए किस तरीके से करवाते हैं और आपको किस तरीके से निशानी वगैरह लगानी है कि आपको जब डीएनए सैंपल डीएनए रिजल्ट आपके पास आ जाए तो आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सा पीस मेल है कौन सा पीस फीमेल है और डीएनए किस एज में करवाना चाहिए। तकरीबन बर्ड की एज जो है तकरीबन 3 महीने से 4 महीने के करीब हो तो उस टाइम आप बर्ड्स का डीएनए करवा लें कि माशाल्लाह से होम ब्रीड मौजूद है। आज इन बर्ड्स को मुझे डीएनए करवाना है, तकरीबन 10 से 15 पीस मौजूद हैं जिनका मुझे डीएनए करवाना है। तो इनको मुझे अभी पकड़ के निकालना है, सबको बाहर निकालना है, इनका मैं डीएनए करवाने लगा। बाकी आपके पास डीएनए करवाना है, जब आपको डीएनए करवाना है तो आपके पास जिपर बैग होना चाहिए। कोई से भी लैब से आप डीएनए करवा सकते हैं। मैं लाहौर से एवियन लेबोरेटरी में यहाँ से डीएनए में करवा रहा हूँ। नॉर्मल एक कॉपी और एक पेन लेने जब आप जो है बर्ड्स का यहाँ पे नाम लिखेंगे, रिंग नंबर लिखेंगे कि आपके पास भी डेटा मेंशन हो जिन बर्ड्स का डीएनए करवा रहे हो, आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपके पास ये कि बर्ड्स वगैरह सेल करने में आपको इजी होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बर्ड्स को मैं छोटे से केजेस, ये केज है, इसमें सारे बर्ड्स में निकाल लेता हूँ, फिर इनका जो है डीएनए वगैरह सैंपल में कलेक्ट करता हूँ, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो गाइस जिन बर्ड्स का मुझे डीएनए करवाना था उन्हें मैंने अलग कर लिया। ये कुछ चिक्स हैं जिनकी खुल बस फ्लैकिंग हुई है, बाकी माशाल्लाह से सारे दिख सकते हैं। क्रिमिनोस हैं, अल्बाइनो रेड आइस हैं, पार ब्लू स्प्लिटिनो हैं, अल्बाइनो ब्लैक आइस स्प्लिटिनो हैं। तो इन बर्ड्स का मुझे अब डीएनए करवाना है, इन बर्ड्स को मैं अलग कर लिया। और तकरीबन बर्ड्स को तकरीबन 3.5 महीने तक के अगर बर्ड्स हों आपके तो उस टाइम आपको डीएनए करवाना चाहिए। अगर आप छोटे बर्ड्स का डीएनए करवा लेंगे या खून की कलियाँ तोड़ेंगे तो बर्ड्स जो है पैरालाइज हो सकता है, उसके एक हाथ पांव जो है काम करना छोड़ देंगे। तो बर्ड्स थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तकरीबन 3.5 से 4 महीने का हो जाए तो उसके बाद आपको डीएनए बर्ड्स का करवाना है, छोटे बर्ड्स का डीएनए नहीं करवाना। काफ़ी लोग जो है जल्दबाजी के अंदर छोटे बर्ड्स का डीएनए करवा लेते हैं, तो छोटे बर्ड्स का ज़्यादा डीएनए ना करवाइएगा। तो चलें इसके अब सैंपल में कलेक्ट करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये पीस है पार ब्लू स्प्लिटिनो का, प्योर फिशरी मार्किंग का तरीका जो है मैं डीएनए करवाने लगा। अभी एक फ़िलहाल मेरे एक हाथ में कैमरा एक हाथ में बर्ड्स हैं तो मैं आपको फैदर निकालते हुए वीडियो नहीं बना सकूँगा। बहरहाल आप जो है यहाँ पे दुम के जो फैदर हैं ये आप निकाल सकते हैं, बाकी जो यहाँ पर के फैदर हैं या ये जो ये वाला ही है यहाँ के पर आप निकाल सकते हैं। तकरीबन आप 3 से 4 पर जो है तोड़ लें उनका डीएनए में, उनके ये के डीएनए आराम से उनका हो जाएगा। 3 से 4 पर आपको तोड़ने हैं, यहाँ से आप तोड़ सकते हैं, बाकी जो दुम वाले पर हैं यहाँ से आप तोड़ सकते हैं। यहाँ से 2 जगह हैं जहाँ से आप डीएनए के लिए पर निकाल सकते हैं। मान लेते काफ़ी अच्छे साइज का बर्ड है और तकरीबन अभी 3.5 महीने का ये बर्ड है। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 3 से 3.5 महीने का क्रिमिनो है। इसका आप साइज़ देखें माशाल्लाह से, हेड देखें, इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करें माशाल्लाह से आप। इधर सभी 3 से 3.5 महीने का चेक है। चलिए इसका भी जो है सैंपल में कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे आईडी से तो ये फीमेल लग रही है मुझे, बहरहाल डीएनए करवा लेते हैं कन्फर्म हो जाएगा। बहरहाल लिखनी है वो भी इंशाल्लाह फीमेल ही, क्योंकि जो इसका साइज़ है और इसका जो हेल्थ है उसके हिसाब से। ये देखें माशाल्लाह से एक और पीस है क्रिमिनो का, थोड़ी बहुत फ्लैकिंग हुई है लेकिन माशाल्लाह से इसका भी आप साइज़ देखें। तो ये कि थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड वगैरह डेली देंगे और अच्छा सॉफ्ट फूड देंगे, अच्छा दाना वगैरह देंगे तो माशाल्लाह से बर्ड्स की हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी। आपके सामने चिक्स हैं, आपको उनकी प्रोग्रेस मैंने स्टार्ट से दिखाई, जब अंडे आए बच्चे बड़े हुए, बच्चे सेल्फ हुए, बच्चे अलग किए, माशाल्लाह से इतनी अच्छी क्वालिटी के क्रिमिनो हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। एक और पीस है माशाल्लाह से क्रिमिनो का,
और आपके सामने इसका साइज़ है। माशाल्लाह सारे बर्ड्स में जो पकड़ रहा हूँ अलग अलग कर रहा हूँ सैम्पलिंग के लिए, तो माशाल्लाह से फिर आप देखें इसकी हेल्थ, इन सब बर्ड्स को माशाल्लाह से सैम्पलिंग कलेक्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं ये सारे के सारे सैम्पल मौजूद हैं। ये लास्ट बर्ड है, इसको इसके सैम्पल में कलेक्ट करता हूँ फिर इंशाल्लाह इन सबको केजेस के अंदर वापस से मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बर्ड्स को मैंने सैंपल कलेक्ट कर लिए, सब पे इनका नाम इनके रिंग नंबर वगैरह लिख लिए। बात अभी के लिए सबका सब जो है मैं एक कॉपी के अंदर लिख लूँगा ताकि मेरे पास सेफ रहे। कल को जाकर मुझे बर्ड्स वगैरह सेल करना हो जिसमें ये कि व्हाट्सएप पे तो DNA आ जाएगा, बाकी आपके पास लिखा हुआ भी हो कॉपी के अंदर और बर्ड्स का नाम वगैरह हर चीज़ आपके पास मेंशन हो ताकि आपको कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर कल को कोई जिससे आप बर्ड सेल करें अगर कल को वो भूल जाए कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको याद रहे, आप फ़ौरन से बता दें। तो माशाल्लाह से सब कलेक्ट कर लिए, बाकी DNA इस तरीके से होता है। ये मैं डेटा में जो है सारा कॉपी पे लिख के फिर इसको मैं TCS कर दूँगा। तो सारे बर्ड्स को माशाल्लाह से DNA करवा लिए, सारे बर्ड्स को मैंने केजेस के अंदर शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से DNA होता है और DNA में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और DNA में सिर्फ किस चीज़ का कन्फर्म होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।